नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे। मैं हूँ आपके साथ अमीषा सिंह और हमारे साथ है शिवानी रतेला। और आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुपमा की हर एक छोटी से बड़ी अपडेट हो वो हम आप तक जरूर लेके आते हैं। तो अब अनुपमा में क्या खास होने वाला है वो अब शिवानी आप लोगों को बताएंगी। अब जैसे कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि हाउस वार्मिंग पार्टी हुई थी, उसके बाद इतनी बेइज्जती करी बरखा जो भाभी है अनुपमा की, उन्होंने उसके परिवार की, वनराज की, सबकी इतनी बेइज्जती करी, जिसे आपको भी पता होगा कि अनुपमा देखकर बिल्कुल ना खुश है। बिल्कुल। अब यही वो दूसरी ओर कहती है बरखा को कि प्लीज माफी मांग लो, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि चाहे कोई कितना भी, एक आप भी मानते होंगे कि आपके घर में अगर कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो उसकी बेइज्जती करना कितना बुरा लगता है। और बहुत ज्यादा अगर बीइंग पेरेंट, खैर हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारे माँ बाप के सामने अगर हमने ऐसी कोई हरकत कर ली, तो सबसे पहले तो आज घर की माओं का होता है कि आंख दिखा। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि आंख दिखा कर ही बस शांत हो जाते थे हम, लेकिन अब तो इतने शैतान बच्चे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तो बड़े बुजुर्ग और भी शैतान होते जा रहे हैं। जैसे कि बरखा को देख लो, उन्होंने अपने से ज्यादा बड़े उम्र के इंसान की बेइज्जती करी, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो कहते हैं ना, जो विलेन होती है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके साथ अच्छा कर रही हूँ, किसके साथ, उन्हें बस खुद से मतलब होता है। मेरा हर जगह पूछ होना चाहिए और सारे जो पैसे है, सबसे पहले तो पैसों पे नजरें होते हैं। और खासकर अभी बरखा को तो ज्यादा नजरों पे चढ़ गई है अनुपमा, क्योंकि सारे जो काम है, हर एक चीज, अगर पैसे भी लेने हैं तो अनुपमा से पूछ के लो। अनुज है ही इतने प्यारे, जो सब कुछ अपना बागडोर है जितने भी है ना, सब अनुपमा को थमा। लेकिन इस बीच अनुपमा ने खुशी ढूंढ ली, क्योंकि जो वो है बाबूजी, क्योंकि जो बाबूजी है वो एक ऐसा गिफ्ट लेकर आए जो कि सबसे फेवरेट मिठाई है उनकी, काजू कतली। अब काजू कतली लेकर आए हसमुख जी, और उसके बाद अनुपमा देखकर इतनी खुश हो गई, मानो कि मतलब दुनिया भर की खुशी उसे मिल गई हो उसी समय पे। उसे जल्दी से एक काजू कतली खाई और उसे अपने वही घर का प्यार याद आ गया कि कैसे मैं वहां पे रहा करती थी, कैसे सब मेरा साथ दिया करते थे। साथ ही साथ जब अगले दिन वो उठती है, सुबह सुबह बहू, नई नवेली बहू उठी है, वो घर में किचन में जाके खाना बनाएगी, लेकिन उठने से पहले जब उसने देखा कि जो लॉन होता है उसमें एक तुलसी का पौधा लग रखा है। अब अनुज ने इतना सब कुछ सोचा कि इतनी बुरा दिन गया है कल का, कि इतनी खड़ी खोटी एक ने सुनाई है, दूसरे ने सुनाई है, तो कुछ ऐसा स्पेशल कर दूं, और उसने तुलसी का पौधा वहां पे रख दिया। और सबसे पहले इतनी खुशी, एक होता है ना, मॉर्निंग सच में गुड हो गई अनुपमा की। हाँ। कि उसने सबसे पहले जाके सूर्य देव को प्रणाम किया और तुलसी की पूजा करनी स्टार्ट की। शिवानी जो घर की लक्ष्मी होती है ना, उन्हें सबसे ज्यादा हर एक सीरियल में देखने को मिलता है कि जो तुलसी अगर घर में सामने हो तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के वो पूजा करते हैं। और अनुपमा को तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, पूजा पाठ वही। लेकिन अंकुश के साथ बरखा आ रही थी मॉर्निंग वॉक कर, और उसने देखा कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, तो अंकुश ने बोला कि कुछ नहीं बोलना। उसके बाद बरखा ने बोल दिया अच्छा लग रहा है ये पौधा यहाँ पे। अब ऐसे करके, क्योंकि आपको भी पता है कि जिससे आपको काम है बिल्कुल उसकी थोड़ी तो मतलब सिफारिश करनी पड़ती है, तभी जाके आगे का शायद उसको पैसे चाहिए या कुछ का उसका काम निकल आएगा। वही दूसरी ओर जो शाह परिवार है, अब आपने देखा होगा कि पाकी तो चकाचौंध से एकदम आके उसकी चौंधिया चुकी है कि अनुपमा के पास इतना पैसा आ गया, तो उसने बोल दिया है कि मुझे तो आधे टाइम उधर घर रहना है और आधे टाइम यहाँ पे, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ कर सकूं। और ये हर कोई का होता है, जैसे स्टार्टिंग में उसे अनुपमा पसंद नहीं थी, पर अब अनुपमा बहुत अच्छी लगी क्योंकि अनुपमा के पास पैसे बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी ओर जो पाखी है वो कहती है मैं वहाँ पे, लेकिन आपको भी पता है कि बा और वनराज बिल्कुल इसके खिलाफ है, और समर तो टॉन्ट मार देता है, कहता है कि जब मेरी माँ एक रूम के घर में रहती थी तब तो तुम्हें अभी माँ पसंद नहीं आती थी, तुम्हें माँ नहीं पसंद, तुम्हें उनका पैसा पसंद आ रहा है, जिस चक्कर में तुम वहाँ जाना चाह रही हो। तो फिर जो वनराज है उन्होंने कहा कि हम मिडिल क्लास वाले इंसान हैं, हम जैसे आपको रख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने तुम्हें पाला है, तो इसका मतलब तुम शर्मिंदा हो मुझसे। बिल्कुल सही। तो उसने कह दिया कि हाँ आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि मुझे आपसे प्राउड फील करना पड़े। अब किसी बाप के लिए ये सुनना, क्योंकि वो बचपन से इतना सारा काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाखी को जाने दिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लीला ने तो मना कर दिया है कि कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, क्योंकि अगर अनुपमा को आना होगा तो वो हमारे घर आ जाएगी खुशी खुशी, हमें से तो कोई नहीं रोक रहा है उसे। बिल्कुल। लेकिन अब क्या चल रहा है पाखी के दिमाग में, ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो हम तो आपके साथ लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों को आपसे इजाजत लेनी होगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।